उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि वहीं नए प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा भी तय हो चुका है। 2 से 3 दिन में इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। वहीं दिल्ली से लखनऊ तक कुछ नामों पर चर्चा चल रही है। इसमें सबसे टॉप पर केशव प्रसाद मौर्य है, तो वहीं ब्राह्मण नेता में दिनेश शर्मा और जबकि SC चेहरे में BL वर्मा के नामों पर चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के दौर में UP के डिप्टी CM केशव मौर्य का नाम अचानक चर्चाओं में आया। केशव ने पिछले सप्ताह कुछ दिन दिल्ली में बिताए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात भी की है। आपको बता दें कि केशव मौर्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहले भी रह चुके हैं। अप्रैल 2016 में उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उनके नेतृत्व में भाजपा ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लड़े थे। उनके नेतृत्व में ही भाजपा ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा। इसमें 325 सीटों से लाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के प्रदेश इकाइयों के पिछड़े वर्ग से सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। केशव राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हिंदू विश्व परिषद, बजरंग दल और भाजपा के करीब 18 साल तक प्रचारक रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि, गौरक्षा और हिंदू हित के लिए कई आंदोलन भी किए हैं। इसके लिए वो कई बार जेल भी जा चुके हैं, इसलिए अध्यक्ष के लिए सबसे भरोसेमंद चेहरा माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPM।